दोस्तों मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जहाँ मैं जा रहा हूँ वो दुनिया की बेहतरीन तरीन जगह, उधर आपको बहुत सारी मज़े मज़े की चीज़ें आपको दिखाएंगे। ये मैं हॉलैंड में मौजूद हूँ, एम्स्टरडैम में, और इसकी खास बात है कि मैं आपको एक बेहतरीन जगह पर लेके जा रहा हूँ, तो आप बड़ा इंजॉय करेंगे। मैं भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे आया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको कुछ चीज़ आपके साथ शेयर की जाए। बेहतरीन जगह है और बेहतरीन चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, और मज़े की बात ये कचरा कुंडी है। हम जहाँ पे आए हैं अभी देख रहे हैं उधर क्या क्या पड़ा हुआ है, थोड़ा ऐसे इन्जॉय करने के लिए कि यहाँ पर हॉलैंड में एम्स्टरडैम में लोग क्या क्या चीज़ें फेंक के जाते हैं और वो फ्री में आप उठा के ले जाएँ। वैसे हर थर्सडे को ये गवर्नमेंट वाले जो काउंसिल वाले आते हैं वो उठा के ले जाते हैं, लेकिन आप जो है मर्ज़ी आपकी, आप भी उठा के ले आ सकते हो, कोई पाबंदी नहीं। देखें भाई मैं खड़ा हुआ हूँ, कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पर, सिर्फ एक तार की कमी है, वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है, फ्रीज़र पड़ा हुआ है, दो वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है यहाँ पे। आप बेहतरीन कंडीशन में है, ज़बरदस्त किस्म की। कचरा कुंडी में ये देखें, ये बेहतरीन सोफ़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये सूटकेस है, दो आम चेयर हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, और ये एक बहुत ज़बरदस्त रेड कलर का सोफ़ा है जो आपको अभी नज़र नहीं आ रहा है, और क्या क्या है, गद्दियाँ वद्दियाँ सब कुछ हैंगी यहाँ पे मौजूद। आपको प्रॉपर हर चीज़ का सेट मिलेगा, प्रिंटर भी पड़ा हुआ है अगर आपको चाहिए प्रिंटर यहाँ पे अच्छा वाला है। और ये देखें दो फ्रिजेस हैं, दो बड़े बड़े फ्रिज हैं, ज़्यादा इनमें कोई मसला लग नहीं रहा है। ये एक और फ्रिज है यहाँ पर, और दूसरी चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ेंगी, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी अपने मकसद। दरवाज़ा पड़ा हुआ है पूरा, आप यहाँ पे ले आए, दरवाज़ा 50 यूरो का मिलता है यहाँ पे एक। और ये सोफ़ा जो है, जो नया सोफ़ा है, इसकी कीमत कुछ ना कुछ होगी आराम से, अल्लाह भला करे आपके 150 से 200 यूरो का होगा ये। एक और कचरा कुंडिया है, तो देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या मौजूद है। पहले देखा फ्रिज सोफ़ा वगैरह पड़े रहते, इधर चेक करते हैं क्या क्या। आ जाए जी, हम पहुँच गए इस कचरा कुंडी में, अब देखें इधर क्या क्या है। इधर बड़े अच्छे बॉक्सेस पड़े हुए 3 जो कि साफ़ सुथरे हैं। पूरी एक शीशे की ये अलमारी का दरवाज़ा है, ये पड़ा हुआ है यहाँ पर। मैट्रेस है, मैट्रेस नहीं, गंदे हैं, उसका कोई काम नहीं मैट्रेस का। यहाँ पर लेमिनेट फ्लोर, लेमिनेट पड़ा हुआ है। ये एक और अलमारी पड़ी हुई है, आप ये भी देख सकते हैं, ये साइड टेबल पड़ी हुई है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो है कुछ ही समझ नहीं आई, मज़ा नहीं आया, हम नेक्स्ट कचरा कुंडी की तरफ चलते हैं, मज़ा नहीं आया। ये देखें तो देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, ये साथ मौजूद हैं, रात के 2 बज रहे हैं और हम एम्स्टरडैम में ज़रा मुआयना कर रहे हैं कचरा कुंडियों का। यहाँ पर आपको पता है कि ये रिसाइकिल होते हैं, तो लोग अपने घरों से चीज़ें जो चीज़ अननेसेसरी होती हैं वो फेंक देते हैं, तो जो काउंसिल है, लोकल काउंसिल, वो आके उठा के लेके जाके उनको रिसाइकिल करते हैं, उनको यूज़ करते हैं। फिर आपकी मर्ज़ी, आप खुद, आपके पसंद की कोई चीज़ है जो आपको ज़रूरत है घर के अंदर, आप उठा लें यहाँ पर, कोई शर्माने की बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। और आप अगर आपके पास कोई जगह है तो आप यहाँ पर रख के, क्या बोलते हैं, जगह पे रख के उसको साफ़ सुथरा करके फेसबुक मार्केट प्लेस पे, डंडील पे, और दूसरी जो साइट्स हैं एडवर्ट्स वगैरह हैं उस पर लगा के आप बेच भी सकते हैं ई पे। कचरा कुंडी नंबर 3, ये ज़बरदस्त अलमारी है, बहुत खूबसूरत अलमारी है, कोई स्क्रैच नहीं है इसके ऊपर, बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रही है। पता नहीं क्यों फेंक दी लोगों ने। और बाकी इधर कोई काम की चीज़, इधर एक टीवी टेबल भी है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, लेकिन ये है कि नहीं, मज़ा नहीं आया, गो टू द नेक्स्ट वन। दोस्तों कचरा कुंडी नंबर 4, लेट्स गो एंड हैव अ लुक व्हाट्स देयर। दोस्तों हम आए कचरा कुंडी नंबर 4 पे, देखें यहाँ पर क्या क्या मौजूद है। एक पूरी लैडर सीढ़ी मौजूद है यहाँ पे, ये होस पाइप है, ठीक है, और ये ऑटो, ये इधर एक टूल बॉक्स है, ज़बरदस्त किस्म का टूल बॉक्स है यहाँ पे,
कुर्सियाँ पड़ी हैं, मेज़ है, उनके पाए हैं, आपको फुल सेट मिलेगा हर चीज़ का। पूरा डाइनिंग टेबल है उसकी, 4 कुर्सियाँ, 4 चेयर्स और उसके क्या बोलते हैं टेबल है, टेबल के पाए भी आएंगे यहाँ पर मौजूद। तो क्या बात है, चलें। ये देखें, ये बेंच है पूरी, एक जो वर्क टेबल होती है, वर्क टॉप होता है। ये देखें आप, अगर देखें तो ये चलती भी है, ये देखें खुल जाती है, ये ऐसे करके खुलती है, ये देखें खुल रही है, दोनों साइड से खोलनी पड़ती है आपको। ये देखें खुल रही है, नहीं बहुत शोर मचा रही है। दोस्तों हम एम्स्टर्डम में मौजूद हैं, ये प्रॉपर एक बिज़नेस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। आज हमने 4 कचरा कुंडी का आपको विज़िट करवाया, अब हम कचरा कुंडी नंबर 5 ढूंढ रहे हैं। ये है ट्रेजर हंटिंग, इसको बोलते हैं ख़जाने की तलाश। आइए हमारे साथ मौजूद रहिए और ख़जाने की तलाश करते रहें। दोस्तों मुबारक हो, हमको कचरा कुंडी नंबर 5 मिल गई। तो यहाँ पर कोई ख़ास माल दिख नहीं रहा है, देखते हैं तो है क्या। आज यहाँ पर सोफे हैं और ठीक है, ये ऑफिस चेयर है, एक ज़बरदस्त सही है, थोड़ी सी फटी हुई है, नहीं मज़ा नहीं आया। ये पूरा ब्रीफ केस पड़ा हुआ है, यहाँ पे सोफे हैं, लेकिन टू हैवी। और उस साइड से देखते हैं कि क्या है। वो ज़बरदस्त, यहाँ पे पूरी एक साइकिल पड़ी हुई है। ओके, वैक्यूम क्लीनर भी आएगा, साइकिल भी है, इधर एक और वैक्यूम क्लीनर पड़ा हुआ है, और क्या है साथियों। कुंडली नंबर 6 पे जा रहे हैं, कचरा कुंडी नंबर 6। देखा, 5 कचरा कुंडी का विज़िट, आपको दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो आपको कचरा कुंडी का विज़िट करा, ठीक है ना। इसके लिए बहुत पॉश होना चाहिए आपको, तो आप इसको ज़रूर देखें और सबको दिखाएं कि कचरा कुंडी में क्या क्या होता है। ये आ गई कचरा कुंडी नंबर 6। वाह, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे माल। ये इन्होंने कुछ फेंका नहीं आज, उसका कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं किचन वगैरह की, लेकिन ये कि वो कंप्लीट नहीं होंगी। तो ओ वाह, इधर पूरी वॉशिंग मशीन एक पड़ी हुई है, लेकिन वॉशिंग मशीन है यहाँ पर, बेबी कॉट पड़ा हुआ है यहाँ पे, पूरा एक ज़बरदस्त किस्म का बेड है बेबी का, जो कि इसकी कीमत कुछ नहीं 200-250 यूरो होगी आराम से, ठीक है ना। और ये इधर भी एक दरवाज़ा पड़ा हुआ है, दरवाज़ा भी 50 यूरो का मिलता है आयरलैंड इंग्लैंड में, ठीक। फिर इधर टेबल पड़ी हुई है, ये टेबल बहुत ज़बरदस्त टेबल है, और ये हमको फर्स्ट एड बॉक्स मिला है, एक ज़रा खोल के देखते हैं। दोस्तों कचरा कुंडी नंबर 7, देखते हैं इधर क्या क्या है। वाह, इधर पूरा ओवन पड़ा हुआ है, ऊपर का चूल्हा आपने खुद लगाना पड़ेगा, ठीक है। आ गया है, ये साइड टेबल है, कॉर्नर टेबल लग रही है, लेकिन ये कटी हुई है, इसके पाए काम में आ सकते हैं। इधर दरवाज़ा पड़ा हुआ है, और क्या क्या है इधर, कुछ बोतलें रबिश हैं, ये अलमारी है एक, ये थोड़ा ज़्यादा काट कबार हो गया है, थोड़ा गरीबों का इलाका लग रहा है मुझे, लेकिन ये सोफ़ा जो रखा हुआ है यहाँ पे, ये बहुत अच्छा लगा है, थोड़ा सा साइड से फटा हुआ, ये देखें, लेकिन आप देखें इसकी बिल्कुल गद्दियाँ वगैरह बिल्कुल सेट हैं, यानी कि ये रेडी टू गो है। तो आपकी मर्ज़ी, आप ले आ सकते हैं।